एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज पता है आज कौन आ रहे हैं? आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ना नानू नानी मुझे जब से छोड़ के चले गए थे ना टूर पे, तब से मैं ना बहुत ज्यादा सैड होकर रहती थी। मुझे मन ही नहीं लगता था अकेले, क्योंकि नानू नानी दोनों मुझे छोड़ के चले गए थे, जो कि मुझे जब सबसे ज्यादा प्यार करते। दोनों में से कोई भी नहीं थे घर पे, सिर्फ मम्मा थी और मेरी बड़ी नानी थी। तो मम्मी ना बहुत मिस करती थी नानू और नानी को, तो इसी के कारण ना मामा को जब पता चला ना कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ नानू नानी के लिए, तो मामा जी आज आने वाले हैं मुझसे मिलने के लिए कि बाबू मेरी हैप्पी हो जाएगी, सहन भी मेरी हैप्पी हो जाएगी, इसीलिए मामा जी आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए आज। इसी के कारण मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मैं नहा धो करके मॉर्निंग में ही सुबह सुबह मम्मा मुझे नहला धुला के रेडी कर दी थी, ताकि मैं मामा जी का वेट कर सकूँ। मैं नहा के बहुत टाइम से मामा का वेट कर रही थी, फिर मामा जी भी इतना में आ पहुँचे और मैं चली गई थी मामा जी को वेलकम करने के लिए। बाहर ही निकल गई थी मामा जी को मैं वेलकम करने के लिए। मामा जी मेरे लिए बहुत ही सारा कुछ लाए थे, चीज, फ्रूटी, चॉकलेट, इतना सारा कुछ था ना थैला पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। मुझे तो लग रहा था मैं सारा पैकेट एक साथ ही फाड़ दूँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर पॉपकॉर्न भी था, बहुत सारा कुछ था, आप लोगों को मैं कितना बताऊँ, बहुत कुछ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना सारा पैकेट का ट्राई किया कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा पॉपकॉर्न भी खा ली, थोड़ा चॉकलेट भी खा ली, सारा पैकेट को ही मैंने फाड़ दिया। मम्मा डांटी भी मुझे कि इतना सारा एक साथ मत फाड़ो, थोड़ी थोड़ी सी खाओ, फिर बाद में खाना। फिर मामा जी को तो मेरे पे बहुत ही प्यार आ रहा था, और मुझे भी मामा जी पे प्यार आ रहा था। फिर मामा जी को लेकर के मैं अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद मामा जी से बहुत सारा बातें किए बैठ करके। मामा जी के लिए मैं नाश्ता, मामा जी का जो फेवरेट नाश्ता था ना, पता है मामा जी का फेवरेट नाश्ता क्या है? मट्ठा चूड़ा, जो कि मेरा भी फेवरेट है। तो मट्ठा चूड़ा ना मामा जी को बहुत पसंद है, तो मम्मा उसके लिए ना मट्ठा चूड़ा और चना फ्राई बना के रखी थी, और मुझे भी मट्ठा चूड़ा ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मामा जी के लिए मम्मा बना के रखी थी, और मैं ना सारा पैकेट का चिप्स सब ट्राई कर रही थी, देखिए किस कौन सा चिप्स ज़्यादा बेस्ट है। फिर मामा का चश्मा भी था, मामा का कैप भी बहुत प्यारा था, मैं सारा कुछ पहन के ट्राई कर रही थी, मैं देखूँ मैं कैसी लगती हूँ मामा जी का चश्मा पहनने के बाद। फिर पूरा दिन हमारा मामा जी के साथ खेलते खेलते निकल गया, और होने को आया था शाम। शाम जब से होने लगी ना, मुझे अब तो डर लगने सा लगा था। क्यों पता है डर लगने लगा था? क्योंकि मामा जी बताए थे मुझे कि कल मॉर्निंग में मैं चला जाऊंगा, इसी के लिए ना मैं डर रही थी कि कहीं मामा जी मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो मैं मामा जी को छोड़ ही नहीं रही थी, मैं बोल रही थी ना मामा जी के साथ ही सोऊंगी मैं। तो मैं आ गई थी मामा जी के रूम में ही, मामा जी के पास सोने, मामा जी के बेड पे ही। फिर मैं मामा जी के साथ में ही सो गई थी रात में, पता है सच में मामा जी के साथ सो गई, जबकि मैं एक मम्मा को छोड़ के किसी के साथ भी नहीं सोती हूँ अकेले। बिना मम्मा के बिना तो मैं सोती ही नहीं हूँ, लेकिन आज मैं ना मामा जी के पास ही सो गई थी, मम्मा के बिना सो गई थी सच में। फिर मम्मा गेट लॉक करके चली भी गई, मम्मा भी सोने के लिए चली गई, और मैं मामा जी के पास ही सोई ही रह गई। और फिर जब मॉर्निंग हुआ ना, तो मामा जी सारा सामान लेकर के निकल रहे थे। मैं जब जगी, मेरा आँख खुला, मैं नीचे आई तो देख रही हूँ मामा जी रेडी हो रहे हैं जाने को भी। इतनी सुबह सुबह मुझे तो, मेरा तो मूड ही ऑफ हो चुका था, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। मेरा मन हो रहा था मैं भी जाऊँ मामी के पास, मामी से मिलने के लिए। मैं तो मामी को भी मिस कर रही थी, मामा को बहुत बोली मामी को क्यों नहीं लाए, बट मामी आ नहीं पाई, मामी को छुट्टी नहीं था इसीलिए मामी नहीं आ पाई थी। तो फिर मामा जी अब जा रहे थे ना, तो मुझे तो पहले मामा जी को पहले प्यार से मैं समझा रही थी, मामा जी प्लीज मुझे भी ले चलो ना मामी के पास, मैं भी मिल के आऊँगी। तो मामा जी तो फिर बोले ले जाऊँगा बाबू, बाद में ले जाऊँगा, बहुत समझाया मुझे, लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, मुझे रोना आ रहा था, क्यों छोड़ के जा रहे सब, मुझे अकेले मन ही नहीं लगता है। तो फिर ना मैं बहुत ज़्यादा रोने भी लगी, जब मैं रोने लगी ना मामा जी को मुझ पर बहुत दया आ गया, बहुत प्यार आ गया। तो मामा जी बोले ओके रेडी कर दो, इनको मैं ले जाता हूँ स्टेशन तक, स्टेशन के पास लेके जाऊंगा, वहां से फिर इनको रिटर्न कर दूंगा। तो फिर मामा जी के साथ मैं गाड़ी पे चली गई थी, मामा के साथ स्टेशन तक गई थी। और फिर स्टेशन तक क्यों गई थी, क्योंकि स्टेशन में नानू और नानी भी आज आने वाले थे, नानू नानी आ रहे थे, तो मैं नानू और नानी के साथ स्टेशन से रिटर्न आ जाती। तो फिर मामा मुझे फटाफट रेडी कर दी, और फिर मैं चली गई थी स्टेशन नानू और नानी को लाने के लिए। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।